आगरा में बढ़ते तापमान को लेकर पापा संस्थान ने स्कूलों की छुट्टियों को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचकर अधिकारियों को ज्ञापन दिया है। लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए पापा संस्था ने अभिभावकों के साथ जिला मुख्यालय पहुंच अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। पापा संस्था के राष्ट्रीय संयोजक दीपक सरीन का कहना है कि जो गर्मी मई और जून में पड़ती थी वह एक महीने में ही शुरू हो गई, जिसका तापमान 43 से 45 दर्ज किया जा चुका है, जो कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए पूर्ण रूप से हानिकारक है। बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आज पापा संस्था ने बच्चों के अभिभावकों के साथ बच्चों की छुट्टियों के लिए अधिकारियों को ज्ञापन सौंप दिया। हालांकि उत्तर प्रदेश शासन के आदेश हैं कि अगर गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर विद्यालय स्वयं विवेक से विधायक बंद कर सकते हैं। आज हम लोग ज्ञापन कहिए, निवेदन कहिए या फिर शिकायत कहिए, स्वास्थ्य विभाग ने परसों एक एडवाइजरी गाइडलाइन जारी करी है कि जन सामान्य गर्मी के मौसम में सावधानी बरते, तो क्या वो गाइडलाइन बच्चों पर लागू नहीं होती? सावधानी बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। भीषण गर्मी में जहाँ आम आदमी विचलित हो रहा है, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल लगातार खोले जा रहे हैं, स्कूलों में बच्चों को बुलाया जा रहा है, बच्चे बेहद ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने कैमरे का रुख स्वास्थ्य विभाग की तरफ ले जाके देखेंगे तो वहाँ आपको बहुत सारे बच्चे गर्मी से परेशान मिलेंगे। सुविधा के लिए पेरेंट्स की ये मांग है कि इतनी जो भीषण गर्मी पड़ रही है, जहाँ पे तापमान 45-46 डिग्री टेम्परेचर पहुँच रहा है, तो हर रोज़ पेरेंट परेशान हो रहा है, अपने बच्चों को स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हो रहा है, और वो ये चाहते हैं कि छुट्टी जल्द से जल्द कर दी जाए, क्योंकि वो बहुत परेशान है। स्कूल में बच्चे जब जाते हैं तुरंत कॉल आ जाता है स्कूल से कि आपका बच्चा बीमार है, और फिर उसके बाद पेरेंट को जाना पड़ता है उसे लेने के लिए। और कहीं कहीं स्कूलों में जो है टेस्ट उनके शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन जहाँ की ये गर्मियाँ स्टार्ट होती थी तो छुट्टियाँ हो जाती थी। हम लोगों ने भी पढ़ाई की, लेकिन उस टाइम पर जब इतना टेम्परेचर भी नहीं हुआ करता था, लेकिन उसके बाद भी हम लोग को दो दो महीने की छुट्टियां मिला करती थी समर वेकेशन में। लेकिन आज ये हालत है कि इतनी गर्मी होने के बाद भी जिला प्रशासन पता नहीं क्यों सोया हुआ है।